हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक मैंने इससे पहले ओला से रिलेटेड जो इशू वाली डाली थी, जो मेरी ओला है उसका जो इशू था वो मैंने बताया था उस वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप जाके देखना उस वीडियो को। सो आज उनके टेक्नीशियन आए थे ओला के, तो उन लोगों ने देखा और बोल रहे थे कि उसके सस्पेंशन में कुछ इशू है। तो अब देखते हैं वो कितने दिन में रिजॉल्व होता है। तो भोपाल में सर्विस सेंटर है नहीं उसका, तो इंदौर जाएगी, आर ए से बुक हो गई है, आज 8 या 9 बजे तक आएगी। तो मैं वीडियो ऐड कर दूंगा उसमें आप लोगों के लिए, तो देखते हैं फिर, पता नहीं कब आएगी, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब जब गाड़ी आ जाएगी फिर। तो बस यही एक वीडियो थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए। सो गाइस, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आर ए से वाले आ रहे हैं गाड़ी पिकअप करने, तो बस वो रास्ते में ही है, 5-10 मिनट में आने वाले हैं। अभी मैंने उनको लोकेशन भेजी है, तो बस आते हैं फिर, मैं आप भी वीडियो फिर ऐड करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया तो आर एस वाला आ ही गया है, तो अपन चलते हैं, उसकी गाड़ी पता नहीं इधर कहीं खड़ी हुई है, अपन देख कर आते हैं उसके पास कलर क्या गाड़ी खड़ी हुई है। तो आर एस आ गई है, तो अपन चढ़वा देते हैं, फिर अपन देखते हैं आगे, बात कर बताता हूँ आपको जैसा होता है। तो वाइज अपनी ओला जा रही है, देखिए आप, बहुत अच्छे से उन्होंने टाइट बांध दी है। और ये लोग पैसे मांगते तो उनको पैसे देने की कोई नीड नहीं है, सारी सर्विस फ्री रहती है, और नाश्ता पानी मांगते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है देने के लिए। मांगे तो साफ मना कर दो कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बस एक ये वीडियो थी आपके लिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।